सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डिजिटल नगरी को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल नगरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीवो के V11 Pro और ओप्पो F9 Pro का एक कंपैरिजन। जब से ये दोनों मोबाइल लॉन्च हुए हैं मार्केट में, तब से एक कन्फ्यूज़न सा बना हुआ है सभी लोगों के बीच कि दोनों मोबाइलों में से कौन सा मोबाइल बेस्ट है और कौन सा मोबाइल हमको लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे दोनों ही मोबाइलों का स्पीड टेस्ट, दोनों ही मोबाइलों का कैमरा टेस्ट और दोनों ही मोबाइलों में से कौन सा बेस्ट है मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आखिरी तक देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे पास वीवो V11 Pro और ओप्पो F9 Pro। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों मोबाइलों की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। वीवो V11 Pro में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर और ओप्पो F9 Pro में आपको मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो P60 प्रोसेसर। वीवो V11 Pro और ओप्पो F9 Pro दोनों में ही आपको मिलेगी 6GB की रैम और 64GB का स्टोरेज, इसको आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो वीवो V11 Pro में आपको मिलेगा 6.4 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले, वहीं ओप्पो F9 Pro में आपको मिलेगा 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। दोनों ही मोबाइल में आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉप नॉच का नॉच भी आपको देखने मिल जाएगी। दोनों ही फ़ोन में फ्रंट जो कैमरा आपको मिलेगा वो मिलेगा 25 मेगापिक्सल का। और बात करते हैं दोनों ही मोबाइल के रियर कैमरे की। तो वीवो V11 Pro में आपको मिल जाएगा डुअल पिक्सल डुअल कैमरा सेटअप, जिसका प्राइमरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी सेंसर है 5 मेगापिक्सल का। साथ मिलेगी आपको एक LED फ्लैश लाइट। वहीं ओप्पो F9 Pro में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और सेकेंडरी सेंसर जो होगा वो होगा 2 मेगापिक्सल का। साथ में आपको LED फ्लैश लाइट भी मिल जाएगी। वीवो V11 Pro में आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, वहीं ओप्पो F9 Pro में आपको मिल जाएगा रियर पैनल पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर। दोनों ही फ़ोन में आपको मिल जाएगा फेस अनलॉक का भी ऑप्शन, मगर वीवो V11 Pro में इसके लिए आपको एक IR सेंसर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बात करते हैं दोनों की बैटरी की। वीवो V11 Pro में आपको मिलेगी 3400 mAh की बैटरी जो कि डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं ओप्पो F9 Pro में आपको मिलेगी 3500 mAh की बैटरी जो कि वूक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वीवो V11 Pro और ओप्पो F9 Pro दोनों में ही आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड ओरियो 8.1 का सपोर्ट। वीवो V11 Pro में आपको मिलेगा फन टच, वीवो का फन टच OS 4.5, वहीं ओप्पो F9 Pro में आपको मिलेगा कलर OS 5.2। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले इन दोनों ही मोबाइलों को करते हैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का टेस्ट, देखते हैं दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैं दोनों ही मोबाइल में जल्दी से एनरोल कर लेता हूँ अपना फिंगरप्रिंट और फेस, फिर देखते हैं दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही मोबाइलों में कर लिया मैंने फेस और फिंगरप्रिंट को एनरोल, तो अब देखते हैं दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। दोनों की स्पीड लगभग सेम है। अब देखते हैं इनका, इन दोनों मोबाइलों का फेस अनलॉक फीचर कैसे काम करता है। तो मैं करता हूँ अपने फेस से दोनों मोबाइलों को अनलॉक। दोनों की परफॉर्मेंस लगभग साथ में, दोनों लगभग साथ में अनलॉक हुए। फिर से करता हूँ इन दोनों को, फिर दोनों एक साथ अनलॉक हुए। तो दोनों के फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस लगभग एक सी है। अब करते हैं दोनों ही फोन्स का कैमरा टेस्ट। आपको देता हूँ कुछ फ्रंट कैमरे के सैंपल्स और कुछ रियर कैमरे के सैंपल्स, तो आप बताइए दोनों में से कौन सा जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus, I will be the light in your life.
दोनों ही फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, मैंने दोनों ही मोबाइल्स में कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर दी हैं। ये ओप्पो F9 Pro और ये है वीवो V11 Pro। तो देखते हैं ये दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था दोनों ही मोबाइलों का कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट। अब मैं बताता हूँ आपको दोनों ही मोबाइलों की प्राइसिंग। वीवो V11 Pro जहाँ आपको मिल जाएगा 25,990 रुपये की प्राइसिंग में, वहीं ओप्पो F9 Pro आपको मिलेगा 23,990 रुपये में। दोनों ही मोबाइल अपनी जगह बेस्ट हैं। वीवो V11 Pro में आपको 26,000 रुपये की प्राइसिंग में मिल जाता है इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। और ओप्पो F9 Pro में आपको मिल जाती है एक बेहतरीन डिज़ाइन, इसका कैमरा बहुत अच्छा है और इसमें भी आपको फुल व्यू वाटर ड्रॉप डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाएगा। ओप्पो F9 Pro में आपको वूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, वहीं वीवो V11 Pro में भी आपको डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आप लोग देखते रहिए डिजिटल नगरी। थैंक यू।